शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अयोध्या में बनने जा रहा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर सामाजिक समरसता का अनुपम केंद्र बनेगा। उक्त विचार विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्र परिषद दौरान व्यक्त किए। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि कुछ नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व हिंदू विरोधी बयानों पर निर्भर है, इससे उनका व्यवसाय चल रहा है। हिंदू विरोध के अलावा उनके पास कोई पर्याय नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय सीताबर्डी में पत्रकार वार्ता में परांडे बोल रहे थे। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा था कि इससे कोरोना दूर तो नहीं जाएगा। परांडे ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान व सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के संबंध में निर्णय लिया है। मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का विरोध करने वाले एक जनहित याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय के निर्णय के बाद भी हिंदू विरोधी बयान देने वाले की मानसिकता को समझा जा सकता है, ऐसा भी इस समय परांडे ने कहा। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर यह जो कार्यक्रम 5 अगस्त को पूजन का होने वाला है, यह कार्यक्रम मुझे लगता है संपूर्ण हिंदू समाज, पूर्ण देशभर का हिंदू समाज, सभी समाज और विदेश में भी रहने वाला हिंदू समाज बहुत उत्साह से उसका स्वागत कर रहा है। और 5 अगस्त को जैसा हमने सबको आवाहन किया है, तो कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद में पूर्ण देश भर में पूजन अर्चन नामस्मरण अयोध्या के तरफ मुंह करके पुष्प का वर्षाव और शाम को एक दिवाली जैसा वातावरण, पूर्ण घरों की और मंदिरों की सज्जा, ऐसा सारा विषय किया जाएगा। हमने आवाहन भी किया है और हमारी अपेक्षा है कि यह सब कुछ होगा। यह कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष जो हिंदू समाज ने श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किया है, सैकड़ों वर्षों से प्रयास किया और लाखों का बलिदान दिया है, उसकी एक सार्थक पहल करके यह हो रहा है। हम देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी, अनेक अनेक ऐसे पूज्य साधु संत जगतगुरु, ऐसे सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में पूर्ण देशभर के हजारों तीर्थ स्थलों से और पवित्र नदियों से मिट्टी और जल लाया जा गया है। केवल उदाहरण के तौर पर बताना है तो संत श्री रविदास जी के मंदिर से, काशी से, महर्षि वाल्मीकि जी का सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के आश्रम से, अपने यहां पर काचारगढ़ जो अपने गोंड समाज का बहुत पवित्र स्थल है, वहां से रामरेखा धाम है झारखंड में, जहां वहां के सारे वनवासी समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, 1857 के बहुत बड़े श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील जी, इनके समाधि स्थल से, अमृतसर के हरमंदिर साहब से, दिल्ली के पुराने लाल जैन मंदिर से, महू से पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जन्मस्थली से, सब जगह से, ऐसे हजारों स्थलों से यह पवित्र मिट्टी आई है। क्योंकि भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पूर्ण देशभर में सैकड़ों वर्षों में सभी ने प्रयास किया, 76 लड़ाइयां लड़ी है, हर तरह के लोगों ने बलिदान दिया है, खून बहाया है, और इसलिए यह मंदिर, यह एक राष्ट्रीय एकात्मता का, समरसता का प्रतीक करके, एक स्वाभिमान का प्रतीक करके खड़ा हो रहा है। और इसीलिए इन पवित्र तीर्थों की मिट्टी और जल आना इसका बहुत बड़ा महत्व है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।